हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप लंबी भाजन प्रक्रिया का बिना इस्तेमाल किए हुए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद खत्म हो जाता है उसको शांत बोलते हैं। और अशांत आवर्ती क्या होता है? जो दशमलव के अंक बाद कुछ अंकों के बाद कोई फिक्स ब्लॉक नंबर का रिपीट होने लगता है उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो हम लोगों ने इससे संबंधित थ्योरम पढ़ा था, प्रमेय 1.5, 1.6। इसमें क्या होता है, इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, परिमेय संख्या आपकी पी वाई क्यू के रूप की दी हुई है, आप पी और क्यू दोनों के अवाज गुणनखंड निकालेंगे और फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल करेंगे अंश और हर से, फिर क्यू के अभाज्य गुणनखंडन यानी हर के अभाज्य गुणनखंडन को देखेंगे। अगर हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 है तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ रही है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे 13/3125। तो अभाज्य गुणनखंडन करने चलेंगे तो 13 तो अभाज्य है 3125 का, पहले 2 से करेंगे फिर 3 से कैंसिल करेंगे फिर 5 से, तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, आप चेक करके देखिए 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा 5 से जा रहा है। तो 5 6 30 हो गया और फिर ये 12 5 9 10 और ये फिर 25 50 25, फिर 5 1 5 और ये हो गया 12, तो 5 9 10 और ये 25 हो गया 50 25, फिर 5 9 10 हो गया और ये 2 बचा, ये 25 हो गया 50 25 और फिर 50 25, यानी 21 25 का आवाज गुणनखंडन हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 पांच बार, तो ये क्या हो गया 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको और लिख दीजिए तो ये पावर के रूप में क्या हो गया 13 × 5 × 5, क्योंकि 5 5 5 5 बार मल्टीप्लाई है तो 5 × 5 हो गया, 5 5 5 अगर 10 बार मल्टीप्लाई होता तो 5 × 10 हो जाता, यानी 13/5 × 5। अब हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कोई है नहीं उसको कैंसिल करते, अब हर के अभाज्य गुणनखंडन को देखेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल क्या है, 5 है, यानी जब हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, अतः शांत दशमलव, ऐसे लिखिए अतः दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। केवल जब 5 रहता है तो इसको हम इस टाइप का क्यों कहते हैं, क्योंकि n और m की वैल्यू क्या होती है, ऋणेतर पूर्णांक, यानी 0 1 2 3 4 5 ऋण के इतर, ऋण पूर्णांक नहीं हो सकते 0 1 2 3। तो n की वैल्यू अगर 0 होगी, n की वैल्यू 0 तो किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। जैसे कोई भी संख्या है a के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पे हम लोग क्या, अगर 2 के पावर नहीं है तो इसको 2 के पावर 0 तो कंसीडर कर सकते हैं ना, तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के टाइप का ये है, क्योंकि 5 के पावर 5 में 1 से मल्टीप्लाई तो समझ सकते हैं ना कि 2 के पावर 0 है क्या, 1 है। तो कोई संख्या लिखा है जैसे 10 लिखा है तो आप 10 × 1 लिख देंगे तो कोई चेंज थोड़ी आ जाएगा। तो ये यानी अगर केवल 5 रहता है
या केवल दो रहता है तब भी हमारा जो है किस रूप का रहता है, अगर दो और पांच दोनों होते हैं तब तो इस रूप का रहता ही है। ऐसा नहीं कि आप केवल पांच देख रहे हैं आवाज गुणनखंड में तो आप कहें कि इस रूप का नहीं है, इस रूप का है, क्योंकि n की वैल्यू जीरो हो सकती है, m की वैल्यू भी जीरो हो सकती है। जब m की वैल्यू जीरो होगी तो ये खत्म हो जाएगा, वन हो जाएगा, और जब n की वैल्यू जीरो होगी तो ये खत्म हो जाएगा, और n m दोनों की किसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो उसके आवाज गुणनखंड में दो भी रहेगा पांच भी रहेगा। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया कि इसका दशमलव प्रशांक होगा, अब हम लोग क्या करते हैं इसका दशमलव प्रसार जो है विभाजन प्रक्रिया करके यूज करते हैं। क्वेश्चन तो हम लोगों का हो गया, हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट इसमें कर देते हैं, इसका दशमलव प्रसार भी निकालते हैं। तो 13 में हम लोग क्या करते हैं 31 25 से भाग देते हैं, दशमलव लगाएंगे ये 130 हो गया, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे ये 1300 हो गया, अब ये 3000 है ये 1000 समथिंग है, फिर एक जीरो बढ़ाइए यहाँ पे, फिर एक जीरो बढ़ाइए, अब ये 13000 हो गया, ये 3000 समथिंग। तो इस टाइप का जब थोड़ा लंबा भाग देना रहता है तो आप केवल इसको देखते हैं कि ये 3000 समथिंग है और ये कितना है 13000 समथिंग है। तो इसमें देखिए 3 और 13 है, 3000 है तो 3 × 4 = 12000, यानी 4 बार नियरली ये जाएगा, 5 बार करेंगे तो 3 × 15000 हो जाएगा, तो 4 बार ये जा रहा है। देख लीजिए आप 4 × 20 के 0, 4 × 8 दो, 10 के 0, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12। अब आप इसको घटा दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से 1 आया ये 10 हो गया, 10 से 5 ये 5, और यहाँ 2 बचा तो 2 से 2 = 0, और ये हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये 500 हो गया। आप 1 0 और उतारिए 5000 हो गया, फिर क्या करिए एक बार जाइए 31 25, फिर घटाइए आप देखिए यहां पे 0 है, 0 से 5 जाएगा नहीं, तो यहां से लाएंगे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, तो यहां से 5 जाएगा यहां, फिर यहां से 1 इससे लेंगे, फिर 1 इससे लेंगे, तो यहां हो जाएगा पूरा ये 10, तो 10 से 5 गए 5, और ये कितना हो गया था, ये 9 हो गया था, क्योंकि एक यहां से जा चुका है, एक इससे ले चुके हैं, तो ये 9, 9 से 2 = 7, और ये भी 9 हो चुका है क्योंकि यहां से एक जाके यहां 10 बना था, तो ये हो गया आपका 9 से 1 = 8, और ये यहां से एक गया था 5 है ये, तो ये 4 बचा, 4 से 3 = 1, 1875। अब फिर 0 उतारते हैं, ये 18000 हो गया, और 18000 6 बार करेंगे तो 6 बार जाना चाहिए, 6 बार जाइए तो 6 × 30 के 0, 6 × 2 = 12, 3 × 15 = 5, 1 × 6 = 7, और 6 × 3 = 18, 18 750 ही आपका 0 हो गया शेष पर। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.0416। क्या बोलते हैं इसको शांत दशमलव, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या संख्या खत्म हो गया, फिनिश हो गया, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो हम लोगों ने दशमलव प्रसार भी देख लिया, इसका सेकंड पार्ट है 17/8। अब क्या करेंगे आवाज गुणनखंडन करेंगे, तो 17 तो अपने आप में आवाज है, 17 क्या होगा ये तो 17 ही रहेगा आवाज गुणनखंडन। 8 का करने चलेंगे तो 8 को क्या करेंगे 2 से कैंसिल करिए, 2 × 8, फिर 2 से करिए 2 × 4, 2 × 1 = 2, यानी 8 को कैसे लिखेंगे आप आवाज गुणनखंडन 2 × 2 × 2, तो यानी 17/8 जो हम लोगों को सबसे पहले अंश और हर के क्या क्या हमने आवाज गुणनखंडन के लिए होगा 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया 17/2, 2 × 2 = 3 बार मल्टीप्लाई है तो 2 × 3। अब हम लोग क्या देखेंगे हर को देखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन किस रूप का है, केवल 2 और 5 ही है कि 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे केवल 2 है, यानी 5 के पावर क्या होगा यहाँ
जीरो होगा मान लेते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 या किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ 5 नहीं है तो इसको हम इनटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे देखते हैं और ये हो जाएगा 17 बाई 2 के पावर 3 और 1 को क्या ले सकते हैं 5 के पावर 0 ले सकते हैं। तो हमारा हर किस टाइप का है, आपका जो हर है 2 के पावर n इनटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होगा और हम लोग अब क्या करते हैं, भाग देके इसका दशमलव प्रसार भी निकालने की कोशिश करते हैं। 17/8 यानी आप क्या करेंगे 17 में 8 से भाग दीजिए तो 8 दुनी 16 दो बार जा रहा है और इसको घटाएंगे तो ये 7 से 6 गया 1 और ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाइए 8 फिर ये घटाइए ये 2 हो गया फिर 0 आ गया फिर 8 दुनी 16 10 में से 6 गए 4 और 2 1 बचा तो ये 0 हो गया, 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 8 पंचे फिर 40 ये शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। यानी इसका जो दशमलव प्रसार है 17/8 यहाँ लोगों ने क्या भाग देके निकाला 2.25 ये देखिए शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। हम लोग इसका हर का आवाज गुणन खंडन करके ही देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट है 64/4555 तो अप्रोच क्या वही अंश और हर का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, जो अनिष्ट होगा कैंसिल कर देंगे, उसके बाद हर के अभाज्य गुणन खंडन को ध्यान से देखेंगे, अगर उसमें केवल 2-5 है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर 2-5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या है तो अशांत आवर्ती होगा। बस 64 का अभाज्य गुणन खंडन करते हैं, पहले 64 को आप 2 से जाइए तो 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 6 8 2 1 2 यानी 64 का जो आवाज गुणन खंडन होगा वो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई है 2 × 2 6 बार मल्टीप्लाई है, ये 64 का हो गया। अब 4 5 5 का देख लेते हैं आवाज गुणन खंडन, 2 से तो जाएगा नहीं, आप 3 से चेक कर लीजिए 3 × 3 × 3 × 15 3 से भी नहीं जाएगा ये 5 से जाएगा 5 9 45 और 5 1 5 अब ये देखिए 5 से तो जाएगा नहीं, अगली भाग संख्या 5 के बाद क्या है 7 है, आप 7 से चेक करिए तो 7 1 7 और यहाँ 2 हो गया 21 हो गया 7 3 21 यानी 7 1 7 और 7 3 21 13 को अभाज्य है। तो यानी 4 5 5 का जो अभाज्य गुणन खंडन हो गया वो क्या हो गया 5 × 7 × 13 अब क्या करते हैं अंक और हर को अभाज्य गुणन खंडन के रूप में लिख देते हैं। तो 64 क्या होगा 2 × 2 × 2 6 बार मल्टीप्लाई है और ये क्या 5 × 7 × 13 इसको और 60 में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 6 बार मल्टीप्लाई है 2 के पावर 6 और ये क्या है 5 × 7 × 13। अब ध्यान से देखिए कोई वनिष्ठ गुणनखंड तो कैंसिल करने के लिए है नहीं, हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा और कोई यार यहाँ 7 है एक अभाज्य संख्या और 13 है तो 2 और 5 के अलावा केवल एक ही अभाज्य संख्या आ जाए तो बात खत्म, वो 2 के पावर n × 5 के पावर m का रूप का नहीं है। अगर उस रूप का नहीं है तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवर्ती।
तो आप क्या कहेंगे, इसका जो हर है ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये थर्ड पार्ट था, हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं फिर। 15 by 1600 फिर वही काम, अंश और हर का भाज गुणन संगत, तो आप 15 का करिए तो ये 3 से जाएगा, 3 × 15 और 5 × 5 यानी 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो क्या आ गया, 3 × 5। फिर 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 2 से, तो 2 × 16 और 2 × 0 ये आ गया, फिर 2 से जाएगा 2 × 8 और ये फिर 2 × 0, फिर 2 से 2 × 4, फिर 2 × 2 = 2 ये 0, फिर 2 × 2 = 10 और 1 × 0 ये आ गया, फिर 2 × 2 = 4 × 2 = 10, फिर ये 5 से जाएगा 25, फिर 5 × 1 यानी जो 1600 का जो भाज गुणनखंड आया 1 2 3 4 5 6 बार तो क्या है 2 2 मल्टीप्लाई है, फिर क्या है 5 × 5 × 5 × 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 15 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 15 हो गया आपका 3 × 5 और 1600 क्या 2 × 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 × 5 × 5। अब ओएनएस गुणनखंड को कैंसिल कर लेते हैं तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ऊपर केवल बचा 3 और नीचे क्या बचा 2, 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 के पावर 6 × 5। अब हर का अभाज्य गुणनखंड आप देखिए ये 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत दशमलव। तो आप क्या कहेंगे कि हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। ये फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं 29/343। फिफ्थ पार्ट है इसका 29/343। तो अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 तो अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या को घटा थोड़ी कि कौन से अभाज्य, आप देखते चले जाइए किसी से कैंसिल नहीं होगा, और शुरुआत की वैसे 8-10 अभाज्य संख्याएं आप चेक करके देख लीजिए, अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3 आता है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 को मैं इधर लिख देता हूँ 4 नहीं है, 4 के बाद 5 आता है 5 है, 6 आता है 6 नहीं है, फिर 7 आता है फिर 8 नहीं है, फिर 9 आता है 9 भी नहीं है, फिर 10 आता है 10 भी नहीं है, फिर 11, फिर 12 इधर लिख देता हूँ, फिर 13 अभाज्य है, फिर 14 ये भी, फिर 15 आता है 15 भी अभाज्य नहीं है, फिर 16 आता है 16 भी नहीं है, 17 है, 18 आता है ये भी नहीं है, फिर 19 आता है और फिर 19 के बाद 20 आता है ये भी भाज्य है,
फिर 21 आता है ये भी भाज्य है, 22 आता है ये भी भाज्य है, 23 आता है, फिर 23 के बाद 24 आता है 24 भाज्य है, फिर 25 आता है 25 भी भाज्य है, 26 आता है 26 भी भाज्य है, 27 आता है 27 भी भाज्य है। भाज्य का मतलब क्या कि जो अपने अलावा एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यहाँ पे जो अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो आप ऐसे शुरुआत के कुछ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आप खुद से देख सकते हैं, ये 4, 2 से कट रहा है, ये 2 और 3 से, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से, ये सारे जो है अपने अलावा और एक के अलावा किसी न किसी संख्या से ये डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए कैसी है ये भाज्य है और ये अभाज्य है। तो भाज्य अभाज्य का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप लोग। तो 29 क्या है, कैसी है, अभाज्य। 23 के बाद 24 ये भाज्य है, 25 ये भी भाज्य है, 26 ये भी भाज्य है, 27 ये भी भाज्य है, 28 उसके बाद क्या आता है 29 ये अभाज्य है। आप इसको किसी भी संख्या से डिवाइड करिए, अपने अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। फिर 3, 4, 3 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, ये पहले आप 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख लीजिए, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 के बाद फिर किससे चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 28 और 6 34 और 7 9 63 यानी 7 से ये जा रहा है। तो 7 चौक 28 और 6 34 7 9 63 और 7 7 49 यानी 343 का जो अभाज्य गुणनखंड हो, 343 को क्या लिखेंगे, 7 × 7 × 7 क्या हो गया 7 × 7 × 7 इसको पावर के रूप में लिखेंगे 29/7³। तो इसका हर देखिए आप, 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या है, 2 और 5 हो ना हो उससे मतलब नहीं है, अगर कोई और अभाज्य संख्या है तो वो 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो क्या कहेंगे कि हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया, छठा पार्ट है इसका 23/2 × 5/2। तो ये तो सीधा सीधा आपका अभाज्य गुणनखंड करके ऑलरेडी दिया, 23 अभाज्य संख्या है, ये अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है, और ये 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। तो आप सीधा सीधा देखिए, हर में 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या है नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 7 दशमलव। अगर इसका दशमलव प्रसार आप निकालना चाहें तो ये कैसे निकालेंगे, भाग देके ये 23/5 ये 2 × 2 × 2 × 5 × 5 ये लिखा है, तो ये क्या होगा 23/2 × 4 × 8 × 40 × 40 × 200। आप 23 में 200 से भाग दीजिए, आपका दशमलव प्रसार आ जाएगा। आप 23 में किससे भाग देने जा रहे हैं, 200 से, ये जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे आप दशमलव, ये 230 हो गया एक बार जाएगा, ये 200 हो गया, फिर 0, 3, 30 हो गया, फिर ये 10, 0 उतारेंगे तो 300 हो गया, फिर एक बार जाएगा, फिर 200, 0, 0, 100, फिर ये 1000 हो गया, और ये क्या होगा, 2 जीरो आप इसको छोड़ दीजिए, 2 जीरो आप इसको छोड़ दीजिए, सीधा सीधा 2 को 10 में भाग दीजिए, 2 × 5 = 10 यानी 5 बार जाएगा, और ये 2 × 5 = 10 और ये 2 जीरो 1000 सीधा सीधा ये शेष का 0 यानी इसका दशमलव प्रसार हम लोग देखें तो क्या है 0.115।
इसी टाइप को क्या बोला जाता है, शांत दशमलव, मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद संख्या खत्म होगी। ये छठा पार्ट हो गया। फिर सातवां पार्ट देखते हैं। वन टू नाइन अपान टू के पावर टू, फाइव के पावर सेवन और सेवन के पावर फाइव। अब आज गुणनखंड हर का तो दिया ही सीधा, टू के पावर टू का मतलब कि दो बार मल्टीप्लाई है, पांच के पावर धात सात का मतलब पांच पांच सात बार मल्टीप्लाई है, और सात के धात पांच का मतलब सात सात पांच बार मल्टीप्लाई है। आप वन टू नाइन का कर लीजिए तो तीन चौक बारह, तीन तरीका नौ और तिरालीस अभाज्य संख्या है। ये हो गया थ्री इंटू फोर्टी थ्री, तिरालीस अभाज्य। कोई सपना थोड़ी रहा है, आप देख लीजिए कहां तक हम लोग देख चुके हैं। ट्वेंटी नाइन अभाज्य है, ट्वेंटी नाइन के बाद थर्टी आता है यानी तीस भाज्य है, फिर इकतीस आता है ये अभाज्य है, बत्तीस भाज्य है, तैतीस भाज्य है, चौंतीस भाज्य है, पैंतीस भाज्य है, छत्तीस भाज्य है, फिर आ गया यहाँ पे सैंतीस, सैंतीस के बाद फिर अड़तीस भाज्य है, उनतालीस विभाज्य है, तीन से कटेगा, फिर चालीस विभाज्य है, फिर आ गया यहाँ पे इकतालीस, फिर आ गया बयालीस भाज्य है, बयालीस के बाद तिरालीस आ गया, तिरालीस तिरालीस के बाद चौवालीस, ये भी भाज्य है, पैंतालीस आएगा ये भी भाज्य, छियालीस आएगा ये भी भाज्य है, फिर क्या आ गया यहाँ पे सैतालीस, फिर अड़तालीस आएगा ये भाज्य है, फिर तो हम लोग यहाँ तक देख ले, यहाँ बीच में आ गया ये 43। तो ऐसे ही आप शुरुआत के कुछ जो है कम से कम आप 50 तक तो देख ही लीजिए ना, कि आप 2 से लेके 50 तक में कौन कौन से भाज्य हैं और कौन कौन से अभाज्य हैं, तो वो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो 43 में हमको पता है कि 43 अभाज्य है, और ये क्या है, टू के पावर टू इंटू फाइव के पावर सेवन इंटू सेवन के पावर फाइव। अब देखिए इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है नहीं, कैंसिल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसके बाद अब हर को देखते हैं। इसमें दो और पांच के अलावा एक अभाज्य संख्या सात है, यानी आप क्या कहेंगे कि इसका हर जो है, हर टू के पावर एन इंटू फाइव के पावर एन के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो सारे क्वेश्चन में अप्रोच हो जाएगा क्या रहेगा, कि एक बार हम लोगों को कोई परिमेय संख्या पी वाई के क्यू के रूप की दी हो, सीधा सीधा क्या करेंगे, अंश और हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद हर के अभाज्य गुणनखंडन को देखेंगे। अगर वो 2 के पावर n इनटू 5 के पावर n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या है, यानी उसका हर 2 के पावर n इनटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि ये हम लोग क्यों कहते हैं कि अंश और हर का अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद दोनों को ऊपर नीचे उभयनिष्ठ संख्याएं जो रहती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक हम लोग परिमेय संख्या लेते हैं 21 एक लेते हैं 7/70 एक परिमेय संख्या, हम लोगों ने परिमेय संख्या है या नहीं है, पी वाई क्यू के रूप की है परिमेय संख्या 7/70 एक परिमेय संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं,
इसको देखना है हमको कि इसका जो दशमलव निरूपण है वो शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो क्या करेंगे, अंश और हर का भाग गुणनखंडन करेंगे, तो 70 क्या होगा, 2 × 5 × 7 ऐसे आप लिखिए, 70 का आप करेंगे आवाज गुणनखंडन, फिर 2 से जाएगा तो ये 35 हो गया, फिर 5 से जाएगा 5 × 35 7 × 7। अब आपने क्या लिख लिया, अंश और हर का भाज गुणनखंडन आपने कर लिया, आपको परिमेय संख्या दी थी, आपने अंश और हर का भाज गुणनखंडन कर लिया। अब क्या किया, डायरेक्टली तुरंत ही क्या आपने हर के अभाज गुणनखंडन को देखने चले, तो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है, अभाज्य संख्या 7 है, तो यहां से तुरंत ही देखने से ये क्या लग रहा है कि ये 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो उस रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव का साथ क्या होना चाहिए, अशांत आवर्ती। लेकिन 7/17 को आप तो डिवाइड करके देख सकते हैं, 7/7 में 70 से भाग दीजिए तो जाएगा नहीं, तो ये दशमलव हो गया 70, ये एक बार गया 70 से 0, यानी होता क्या है 7/70 यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा आना है, शांत। तो गड़बड़ी कहां पे हुई, हम लोग गड़बड़ क्यों कर गए, गलत कंक्लूजन पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि अंश और हर का अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल नहीं किया। यहां देखिए 7 है, यहां भी 7 है, अगर 7-7 आप कैंसिल कर देते, वो कैंसिल करना जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं हर स्टेप में कि जब जवाब पी वाई क्यू टाइप की परिमेय संख्या बोली जाती है तो आप यही मान के चलिए कि पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि कोई एक संख्या जैसे आपको 1/2 है, आप इसको अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया 2/4, तो जो वही 1/2 है वही 2/4 है, फिर आप इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा 6/12, फिर आप किसी संख्या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश और हर में, तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, 30/60 हो गया, ये सारे इक्वल होंगे कि नहीं, जो 1/2 है वही आपका 2/4 है, वही आपका 6/12 है, वही आपका 30/60 है, और ऐसे ऐसे इसके संगत आप अनंत संख्या निकाल सकते हैं, किसी आप संख्या से मल्टीप्लाई आंसर में कर दें लेकिन रहेगा तो सब। तो जब हम पी वाई क्यू टाइप की परिमेय संख्या कहते हैं तो इन सब की बात नहीं करी जाती, क्योंकि एक परिमेय संख्या के संगत बहुत परिमेय संख्या हो सकती है, तो हम उसकी बात करते हैं जिसके अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 2/4 को देखिए आप, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो हम इसकी बात करते हैं, इसीलिए इसको क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 और 7 को कैंसिल करेंगे, 7 और 7 को जब कैंसिल कर दिए तो ऊपर क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 2 × 5। अब हम लोग हर का देखेंगे, ये 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, इतना दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका शांत दशमलव होगा। तो इसके 2-3 पार्ट और छोटे छोटे कर लेते हैं हम लोग। ये 6/15, एक 35/50, ये 77/210। इसको देखिए 6/15 को आप देखिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो 6 का आप क्या होगा 2 × 3 = 6 और 15 का क्या होगा 3 × 5। अब तुरंत ही यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 के पावर n × 5 के पावर m का रूप का नहीं है, क्योंकि केवल हर में 2 और 5 ही है, नहीं 3 भी है,
लेकिन बिना कैंसिल किए हम लोग नहीं देख सकते, कैंसिल करने के बाद ये हो गया 2/5। आप देखिए अब इसका हर किस रूप का है, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है। दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, और दशमलव प्रसार आप निकाल दे लीजिए। आप चाहे 6/15 लेके चलिए, चाहे 2/5 डिवाइड कर दीजिए, तो 6/15 ही लेके चलते हैं, क्योंकि डिवाइड जब करने चलेंगे आप तो 6/15 या 2/5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जब ये कांसेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि हर का भाज्य गुणनखंडन देखते हैं, वहां पे अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुरंत ही गलत हो सकता है। तो ये हो गया 60 और 15 चुके 60, ये खत्म हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, 6/15 0.4। अगला हम लोग देख लेते हैं 35/50। 35 का भाज्य गुणनखंडन क्या हो गया, 5 से 35, और 50 का क्या करेंगे, 2/5/5, एक इसको कैंसिल करिए, ये 7/2 × 5। तो इसका हर किस रूप का है, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव। दशमलव प्रसार देखने के लिए ये 7/10 है, 7 में आप 10 से भाग दे दीजिए, ये दशमलव लगाइए 70 हो गया, 10 × 70 = 70, यानी ये 35/50 का अगर आप दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.7, शांत दशमलव है। एक और बचा 77/210। अंश और हर का भाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो 77 ही 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये 7 से, 7 × 7 = 7। 77 का भाज्य गुणनखंडन क्या हो गया, 7 × 11, 210 का भी कर लेते हैं हम लोग, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 7 × 7, यानी 210 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 7। तो अभाज्य गुणनखंडन ये क्या हो गया, इसका है 7 × 11, इसका क्या है 2 × 3 × 5 × 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो रहा है, ये बचा क्या, 11/2 × 3 × 5। तो ये देखिए हर का अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा भी अभाज्य संख्या 3 आ रही है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि आप हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार आसान आवर्ती होगा। आप एक हम लोग अशांत आवर्ती निकाल, दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग विभाजन लंबी भाजन प्रक्रिया पता है वही करते हैं। तो ये 77/210 है, इसको कैंसिल करने के बाद 11/30 है, तो ये दोनों इक्वल ही तो होता है ना, जैसे 1/2, 2/4, तो इसको लेके चलते हैं, थोड़ा छोटा पड़ेगा भाग देने में, तो 11 में हम लोग भाग देते हैं किससे, दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, 5 × 15 = 30, यहाँ आपने दशमलव लगाया, ये हो गया 110, ये 3 बार जाएगा, 30 × 90, ये क्या हो गया 110, 0, 11 से 9 गया 2, फिर ये 200 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, 3 × 6 = 18, 180, फिर ये 20 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 180, फिर ये 20 और 0 उतारा 200, फिर ये 6 बार जा रहा है, फिर 180, फिर ये 20, फिर 0, फिर 6 बार, फिर 180, फिर 20, ये 0 हो गया, फिर 3 × 6 = 180, फिर आप बताए तो 0, 10 में से 8 गए 2,
फिर जीरो उतारा आपने, फिर छह बार जा रहा, फिर ये 20 हो गया। तो शेषफल देखिए 20 रिपीट होने लगा। शेषफल हमेशा जब 20 आएगा तो आप 6 बार जीरो उतार के 6 बार ले जाएंगे, तो ऐसे ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमेशा चलता रहेगा, जब तक आप भाग देते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा और 6 6 6 6 आप बढ़ाते चले जाइए। 100 साल तक आप भाग देंगे, 10,000 साल तक भाग दीजिए, 10 पीढ़ी भाग दीजिए, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये 6 6 6 कितनी बार रिपीट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो दशमलव प्रसार आया ये 77/210 है, तो हम लोगों ने क्या लिखा दशमलव प्रसार, ये 0.366666666। अब आसान आवर्ती क्यों है, क्योंकि देखिए दशमलव के कुछ अंकों के बाद कोई फिक्स जो है ब्लॉक रिपीट होने लगता है, यहाँ पे 6 रिपीट होने लगा, फिर वही 6, फिर वही 6, फिर वही 6, फिर वही 6, फिर ऐसे ऐसे 6 6 6 ऐसे इनफिनाइट बार, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए आसान है और ये कोई फिक्स ब्लॉक या कोई फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है, इसीलिए आवर्ती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। ये 0.3666 ये लिखा है। तो हम लोग अगर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली समझ लें तो हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे आप लोग, और अगर आप क्वेश्चन दर क्वेश्चन करके आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप रटते ही रहेंगे, केवल कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ बनाइए। तो करना क्या रहता है, पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या दी हुई है आपको, दशमलव प्रसार पूछा है, अंश और हर का भाज गुणनखंडन किया, गुणनखंडन करने के बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैंसिल कर दिया, फिर हर को ध्यान से देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 ही है कि और कोई अभाज्य संख्या है, अगर केवल 2 और 5 है तो वो 2n×5n के रूप का होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है कि जो हम लोगों ने जो 200 एग्जाम्पल देखे हैं इसमें वो पूछा है कि जिसके दशमलव प्रसार शांत हैं उसका दशमलव प्रसार निकालिए, तो हम लोग क्या किए हैं ऑलरेडी इसमें दूसरा क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था हम लोग उसको भाग देके दशमलव निरूपण भी कर लिए हैं, और एक हम लोग ने अशांत आवर्ती का भी कर लिया। तो यहीं तक रखते हैं और फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।